हे गाइस व्हाट्सअप। तो आप लोग ऐसा काउंटिंग शेप डीएम डिज़ाइन के जैसा फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो सबसे पहला गाइस हम लोग को ले लेना है 4x5 का फ्रेम इंस्टाग्राम का वाइट ब्लैंक बैकग्राउंड। तो ये आप लोग को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसको कर लेना आप लोग को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर, और जैसे कि आप लोग शेयर कर लोगे चले जाना है आप लोग को ड्रॉ टूल के अंदर, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद लेयर पैनल को ऑन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो करना है, और आप लोग को कुछ इस हिसाब से पोज दे के खिंचा लेना है। काफ़ी सिंपल पोज है, अगर आप कैप पहनोगे तो अच्छी बात है, एकदम सेम आप लोग बना सकते हो। अगर कैप नहीं पहने कोई बात नहीं, आप लोग नॉर्मली भी ऐसा फोटो खिंचा सकते हो। फिर आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके यहाँ से नीचे लेके ऐड फोटो कर लेना है, और इसकी जो बैकग्राउंड है ये आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। काफ़ी सिंपल बैकग्राउंड है, आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी बनाया हुआ बैकग्राउंड है ये। तो इसमें आप लोग को जस्ट अपना फ़ोटो जस्ट क्रॉप करके ऐड कर लेना है। तो आप लोग को अगर पता नहीं होगा कि एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, प्रीसेट्स मिल जाएंगे। तो ये इमेज मैं पहले आप लोग को सेव करके दे देता हूँ, जो बैकग्राउंड है ये डीएम डिज़ाइन ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेते, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो है शैडो में ऐड करने वाला हूँ। तो इसकी ब्रश की आप लोग साइज़ देख सकते हो, मैंने 27 रखा हुआ है। ओपेसिटी जो है आप लोग ने 8% रखा हुआ है। यहाँ पे हार्डनेस जो है वो 1% रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को हल्का हल्का ना पेंट करते हुए चले जाना है, जितना मुझे पोर्शन चाहिए शैडो का उतना यहाँ पे मैं पेंट करते हुए चले जाऊँगा। तो पहले जो हमारा सोल होता है उसके नीचे हम लोग जो है हल्का हल्का पेंट कर लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो ये शूज़ के ऊपर हो रहा है, क्योंकि लेयर जो है हमारा ऊपर है, तो लेयर हम लोग जैसे नीचे कर लेंगे वो चले जाएगा एकदम जूते के नीचे। तो यहाँ पे और आप लोग को अगर शैडो चाहिए रहेगा तो आप लोग यहाँ पे और शैडो ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे शैडो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन मार दे रहा हूँ ताकि जो है हमारा बंदा जो खड़ा रहेगा यहाँ पे जो मॉडल है हमारा, तो यहाँ पे वो शैडो यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम क्रिएट हो जाए, तो फोटो जो एकदम थोड़ी सी रियलिस्टिक लगने लग जाएगी। तो आप लोग शैडो पे बहुत ध्यान देना, शैडो में भी आप लोग को टाइम जाए तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो भी है यहाँ पे सब शैडो और बैकग्राउंड का ही खेलेगा। इस बैकग्राउंड तो आप लोग को ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ, बट यहाँ पे शैडो आप लोग को मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोटो को मर्ज कर लेते, फोटो हो चुका है हमारा रेडी, तो फोटो को सेव कर लेते और एक बार हम लोग गाइस गैलरी में रिव्यू देख लेंगे कि फ़ोटो कैसी बनी है। तो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हो फोटो एकदम परफेक्टली बनी हुई है, और यहाँ पे हम लोग करने वाले लाइटरूम के अंदर शेयर। तो गाइस लाइटरूम के अंदर आ जाते हैं, और जैसे कि लाइटरूम के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे आप लोग प्रीसेट्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स में इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आर्टिस्टिक 1 या आर्टिस्टिक 2 या आर्टिस्टिक 3 आप लोग यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक 2 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पर्पल टोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना क्वांटिटी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे फ़ोटो का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटो को ब्राइट करने वाला हूँ, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं वाइट करने वाला हूँ, तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेलिंग आप लोग को देखने मिलेगा। जैसे कि डीएम डिज़ाइन ने पूरा थोड़ा सा फ़ोटो डार्क किया था ताकि यहाँ पे और अपना जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी आप लोग को डार्क देखने मिले और आपका मॉडल काफ़ी फोकस में आए। बट यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को भी फोकस में ला रहा हूँ और हमारा जो मॉडल है वो ऑलरेडी फोकस्ड में। तो यहाँ पे मैं सारे चीज़ें को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। कलर टोन जो है वो अपने हिसाब से आप लोग को कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कलर टोन में काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ह्यू को चेंजेस किया है, यहाँ पे सैचुरेशन को ज़्यादा हम लोग छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग ने ऑलरेडी बनाया हुआ यूज़ कर रहे, और ये बैकग्राउंड मैंने बनाया नहीं है। जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने बताया कि डीएम डिज़ाइन भाई ने बनाया हमारे, तो उनकी वीडियो की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनका खुद का चैनल है, इंस्टाग्राम का पेज है उनका, वो आप लोग जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एडिटिंग करते। बस मैं उनके जैसा थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ से मेरे जैसे भी तरफ से मैं आप लोग को एडिटिंग उनका शेयर कर पाऊँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।